हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर इज़ डिफाइंड एज द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड विच हैज़ नो एंड। ऐसे नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं एंड जिसका कोई एंड नहीं है, ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं। देन होल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर देते हैं, ओके, नेचुरल नंबर्स की बकेट में अगर हम ज़ीरो डाल देते हैं तो वो सभी नंबर्स होल नंबर बन जाते हैं। ओके, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड विच हैज़ नो एंड इज़ कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, तो देन इंटीजर्स, इंटीजर्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। उस इंटीजर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल निगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। ओके, रैशनल नंबर्स, सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स को डिफाइन करेंगे। द नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म एम अपॉन एन आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं, ऐसे नंबर्स जिसका फॉर्म एम अपॉन एन के फॉर्म में होता है एंड एन शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वो जो भी फॉर्म बनेगा वो रैशनल नंबर रहेगा क्या? नहीं। ओके, इसके अगर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो एग्ज़ाम्पल से 10/7, ओके, ये एक रैशनल नंबर है। -4, 0, 25/3, देन 67/4 एंड सो ऑन। अब ये सभी जो है ये रैशनल नंबर्स हैं। ओके, ये न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर में है। यहाँ पर है -4, यहाँ तो डिनोमिनेटर की टर्म ही नहीं है। अगर यहाँ डिनोमिनेटर की टर्म नहीं है, दैट मीन्स इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1, दैट मीन्स ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, ज़ीरो है तो ज़ीरो के भी डिनोमिनेटर में कुछ लिखा नहीं है, दैट मीन्स इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1। ओके, सो ये सभी जो है वो रैशनल नंबर है। हमें क्या याद रखना है, रैशनल नंबर मीन्स द नंबर्स ऑफ द फॉर्म एम अपॉन एन एंड एन शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, उसका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ही हम उसे क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, क्वेश्चन हमें दिया है हाउ टू शो 7/3, 2/3, -2/3, 4/3 ऑन अ नंबर लाइन। ओके, इन रैशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन में शो करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, देन इसे हम डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में। ओके, स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, ओके, सम इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करते हैं। मैं 1-1 सेंटीमीटर के गैप लेके और आप और 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेकर भी आप कर सकते हो। ओके, सो इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, ओके, यहाँ इसे हम लिखेंगे -1, -2, -3। ओके, सबसे पहले आप एक सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, देन इस नंबर लाइन पर हमें
रैशनल नंबर लिखने हैं, ओके, रैशनल नंबर शो करने हैं। तो अब यहाँ देखेंगे, हमें कहा है टू शो द रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ओके। तो जो भी रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर हमें देखना है, ओके। डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर दिया है हमें, 3, ओके। डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है उतने ही इक्वल पार्ट्स हम इस यूनिट का करेंगे, जैसे यहाँ 0 to -1, 0 to 1, 1 to 2, ओके। ये जो पर्टिकुलर यूनिट है इसका हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओके। ये इसका जो डिनोमिनेटर यहाँ 3 दिया है, इसीलिए हम इसे 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ डिनोमिनेटर 4 होता तो हम इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते, अगर डिनोमिनेटर 7 होता तो हम इसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, ओके। तो मैं इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ओके, 1, 2 and 3, ओके। इसे भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ओके। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन सभी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। देन अब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, हर यूनिट इसका 3 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। अब सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं 7/3 को, ओके। नंबर लाइन पर, इस नंबर लाइन पर 7/3 को शो करना है हमें, तो कैसे करेंगे, स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ओके। 7/3 पॉजिटिव है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। सो यहाँ पर आता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 7/3। देन हमें शो करना है 2/3, अगेन स्टार्ट करेंगे 0 से, 0, 1, 2, तो ये हो जाएगा 2/3। देन -2/3 है, -2/3 शो करना है हमें, तो 0 से हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, सो 0, -1, -2, तो ये हो जाएगा -2/3, ओके। देन 4/3, 0, 1, 2, 3 and 4, ये हो जाएगा 4/3, ओके। दिस इज़ द मेथड ऑफ शोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ओके। नंबर लाइन पर हमने इन रैशनल नंबर्स को शो किया है। फिर से एक बार सुन लीजिए, करना क्या है आपको, जो रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर हमें देखने हैं, ओके, और उन डिनोमिनेटर्स को यहाँ पर हर यूनिट को उस इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर 3 था तो हर यूनिट को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और देन स्टार्ट फ्रॉम 0 एक एक को हमने यहाँ पर क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है हाउ टू शो 3/2, 4/3, -5/2, -7/3 ऑन नंबर लाइन, ओके। इन रैशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर शो करना है, लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो इन रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, ओके। डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो इन रैशनल नंबर्स को अगर हमें सेम नंबर लाइन पर शो करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स इक्वल करके, ओके। तो यहाँ डिनोमिनेटर में नंबर दिए है 2 and 3, सो हम 2 and 3 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 2 and 3। सो 2 and 3 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम कितना आना चाहिए, 6 आएगा, करेक्ट है। देन अब इनका एलसीएम 6 आ गया, तो हर रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर हम 6 करते हैं, तो फर्स्ट रैशनल नंबर है 3/2, इसे हमें 6 में कन्वर्ट करना है। सो डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 होगा 3 से, सो मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके। दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 and 2 3 ज़ा 6। देन नेक्स्ट नंबर है 4/3, देन 4/3 को डिनोमिनेटर में नंबर दिया है 3, इसे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 होगा 3 2 ज़ा होता है 6, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा होगा 8 एंड 3 2 ज़ा होगा कितना 6। देन -5/2, अगेन डिनोमिनेटर में कितना दिया है 2, तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही डिनोमिनेटर 6 होगा,
फाइव थ्री ज़ा होता है 15, तो होगा -15 अपॉन 2 3 ज़ा 6। देन -7/3, अगेन डिनोमिनेटर में 3 है, सो इसे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर 6 होगा। सो -7 × 2 होता है -14 अपॉन 3 2 ज़ा 6। नाउ अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हर रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया है, 6 हो गया है। अब हम इसे नंबर लाइन पर शो करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ये पूरा लिख लेता हूँ। 3/2 को हमने कन्वर्ट किया है किसमें, 9/6 में। देन 4/3 कन्वर्ट हुआ है 8/6 में। देन -5/2 कन्वर्ट हुआ है -15/6 में। एंड -7/3 कन्वर्ट हुआ है -14/6 में। ओके, अब हम इसे नंबर लाइन पर शो करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। आप कोई भी डिस्टेंस लेकर नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ओके, बट इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैं बहुत 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आएगा 1 2 3, यह आएगा -1 -2 -3, यह हमारी नंबर लाइन है। ओके, अब हमें इन रैशनल नंबर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो अब यहाँ देखते हैं, अब डिनोमिनेटर कितना है, 6। तो हमें हर यूनिट को क्या करना है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हर यूनिट को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, आप लोग 6 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब अगर ये आप देखते हैं तो मैंने नंबर लाइन के हर यूनिट को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, फर्स्ट है 9/6, स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो यहाँ है तो ये हो जाएगा 9/6। ओके, इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2। ओके, हमें एक्चुअली इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम ये नंबर लिखेंगे। ओके, देन है 8/6, दैट मीन्स 4/3 को रिप्रेजेंट करना है, 8/6, यही से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 9/6 के जस्ट बाजू में आएगा। ओके, तो 8/6 को हमने किस में लिखा है, 4/3। 8/6 मतलब क्या होता है, 4/3। देन है -15/6। ओके, निगेटिव नंबर है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, -15/6 मतलब होता है -5/2। सो -15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो दैट मीन्स ये यहाँ आना चाहिए, -15/6, दैट मीन्स क्या होता है, -5/2। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -5/2। देन है -14/6, तो ये जस्ट इसके बाजू में आना चाहिए, -14/6। सो यही से स्टार्ट करेंगे तो -14 यहाँ आना चाहिए, तो इसे मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। -14/6 मीन्स क्या होता है, -7/3। ओके, तो जो गिवन रैशनल नंबर्स थे हमने इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। एक नंबर लाइन हमें दी है और कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर हमें लिखने हैं। ओके, तो सबसे पहले नंबर लाइन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, नंबर लाइन में क्या दिया है वो समझ लेते हैं। तो नंबर लाइन में अगर हम देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। ओके, एंड इन नंबर लाइन्स को डिवाइड किया है 1 2 3 एंड 4। ओके, 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स हर यूनिट को, नंबर लाइन के हर यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, दैट मीन्स हमें
जो रैशनल नंबर मिलेगा उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए. ओके, तो दैट मीन्स ये अगर हम लेते हैं तो ये हो जाता है 1/4, ये होगा 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 मीन्स 1, देन 5/4, 6/4, 7/4, देन ये 8/4, 8/4 मीन्स 2. ओके, तो इसे हमने रीड कर लिया है. नाउ एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं. विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट F? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट F. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम जीरो से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. दैट मीन्स पॉइंट F ये सेवेंथ प्लेस पर है, तो दैट मीन्स ये कौन सा नंबर होना चाहिए, 7/4. तो रैशनल नंबर बनेगा 7/4. डिनोमिनेटर 4 क्यों है, क्योंकि इसका हर यूनिट 4 इक्वल पार्ट्स में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है. हर यूनिट इसका 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 3 इंटीजर 1/2. ओके, 3 इंटीजर 1/2, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इंटीजर 1/2 को मैं रफली यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ. ओके, इसके डिनोमिनेटर को हमें 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर क्या है, 4 है. सो 3 इंटीजर 1/2 इसे सॉल्व करेंगे, 2, 3 6 + 1 7, तो ये होना चाहिए 7/2. देन इसका डिनोमिनेटर हमें करना है क्या, 4 करना है. ओके, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से, तो ये डिनोमिनेटर 4 होगा, तो हो जाता है 7 × 14/2 = 4. दैट मीन्स 3 इंटीजर 1/2 मीन्स होता है 14/4. तो 14/4 यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. दैट मीन्स पॉइंट डी, ओके, 14/4 कहाँ पर आता है, पॉइंट डी. क्वेश्चन दिया है विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 3 इंटीजर 1/2, सो देयरफॉर हमारा आंसर रहेगा पॉइंट डी इंडिकेट द नंबर 3 इंटीजर 1/2.